अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। तो भाई अभी मैं मौजूद हूँ लांडी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ की क्या सिचुएशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ट्रेन सर्विस बंद थी तो लांडी में ऐसे जो ट्रेन जा रही है, कौन सी ट्रेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा पंजाब की तो फ़िलहाल अभी बंद है, लेकिन हम बात करते हैं भाई पंजाब की ट्रेन कब से स्टार्ट होगी, तो वो जाके ऑफिस में बात करके देखते हैं। और बाकी यहाँ की स्टेशन की आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें यहाँ की जो है पटरी, जो ट्रैक है ये, वो देखें इसकी सिचुएशन। यहाँ से अभी जो है सिर्फ दो ट्रेनें चल रही हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मेहरान एक्सप्रेस जो कि मीरपुर खास तक जाएगी और कराची सर्कुलर रेलवे, ये दो ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखें कुछ लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पर पेड़ के नीचे, और अभी मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। इधर कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं और देखते हैं अगर कोई यहाँ पे हुआ बात करने वाला तो उससे बात करके देखते हैं क्या सीन है कब। अच्छा तो दोस्तों ट्रेन ऑपरेशन बंद होने से सिर्फ मुसाफिर परेशान नहीं हुए, बाकी काफ़ी लोग भी परेशान हो गए। यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं उनकी भी सेल में कमी आई है, उनकी शॉप बंद रहती है ज़्यादातर। और यहाँ पे जो कुली हैं स्टेशन के, वो तो बेरोज़गार हो गए। तो ऐसी एक कुली अंकल हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। अभी उन्होंने मुझे बुलाया था कि बेटा मेरी ये बात सुन लो, तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ। और कैमरे के आगे वो बात करना चाह रहे हैं कि अपनी फरियाद सुनाना चाह रहे हैं, तो चलें उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो अंकल और ये कुली हैं, ये अपनी वर्दी भी पहने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बख्तर अली। बख्तर अली, क्या आपका अंकल क्या परेशानी वगैरह हो गई जब से? जी ये परेशानी है कि हमारा गाड़ी बंद हो गई है, अभी हमारा कोई काम नहीं है, दूसरा काम भी नहीं कर सकते, बूढ़े हो गए। अच्छा भाई देखें काफ़ी लोग परेशान हैं ट्रेन सर्विस की वजह से, और अंकल बुज़ुर्ग भी हो गए, इनको कोई और काम भी नहीं मिलेगा, तो क्या करें? जल्द से जल्द इसको बहाल करनी चाहिए। आप देखें अंकल की परेशानी सुन लें आपने। अंकल वैसे आप कौन सी ट्रेन में? सारी ट्रेन का सामान उठा रहे? हाँ सारी ट्रेन का सामान उठा रहे हैं। और ये देखें ये देखें भाई 40 साल से काम कर रहे थे और एकदम ये सर्विस रुक जाना, तो किराए के घर पे किस तरह से आज के दौर में जितनी महंगाई है किस तरह से गुजारा होता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो इनके लिए जल्द से जल्द कोशिश करें ताकि सबकी रोज़ी भी बहाल हो, ट्रेन सर्विस चलनी चाहिए। ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो दोस्तों आपने अंकल की बात सुनी किस तरह से वो परेशान है, आज के दौर में इस टाइम पर इतनी महंगाई के दौर में किराए के घर पे गुजारा करना कितना मुश्किल है, और उस टाइम पे बेरोज़गार हो जाना, तो भाई आप इसके अंदाज़ आप खुद लगा सकते हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। तो मेरी गुजारिश है रेलवे इंतज़ामिया से, सर प्लीज़ जल्द से जल्द इस काम में तेज़ी लाके इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ताकि लोग बेरोज़गार हैं इनका भी कुछ भला हो। कुली बेरोज़गार हो गए और यहाँ पर शॉप वगैरह भी किस तरह से बंद है आप खुद देख लें। तो जल्द से जल्द प्लीज़ सर इसको स्टार्ट करें, ताकि पैसेंजर भी अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेरी जो है ना बात हुई है स्टेशन मास्टर का, जो असिस्टेंट होता है वो कैमरे के आगे नहीं आया, उसने भी वही बात करी भाई मेरी जॉब का मसला है। तो उसने ये बताया कि भाई आगे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैक ख़राब है, अगर हम चला दें, चलाने को आज ही चला दें, बैठेगा कौन उसमें? आप लोग ही बैठोगे, मेरे जैसे लोग बैठेंगे, फिर अल्लाह ना करे कुछ हादसा होता है, किसकी जान जाएगी, आपकी या मेरी जान जाएगी? तो अभी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था मालगाड़ी चला के, कि भाई चेक करें हम लोग क्या सिचुएशन है कि, लेकिन उन्होंने जब मालगाड़ी चलाई तो आगे जो है काफ़ी पानी था, उसको भी चलने में मुश्किल हो रही। अब जब पैसेंजर गाड़ी चला देंगे तो खुद सोचो आप क्या होगा, कुछ हादसा होगा तो लोग कितने लोग जान से जा सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा आप सब्र कर लें, फ़िलहाल अभी नहीं चल रही है गाड़ी। वो यही बोल रहे हैं कि भाई अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रैक ख़राब है, ट्रैक सही होगा उसके बाद हम चला देंगे। तो दोस्तों लांडी स्टेशन की ये मैंने आपको ताज़ा सूरत हाल दिखा दी, जो भी अपडेट थी आपके साथ शेयर कर दिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को करते यहीं पर ही एंड, मिलते किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।